प्रॉपर्टी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर की, वो हमें ये बताती है कि हर स्टेट में अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो पार्टिकल्स मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जैसे यहाँ ग्रुप ऑफ जो ह्यूमन थे उन्होंने तीन ग्रुप बनाए, एक ने अपने आर्म्स को लॉक किया था तो टाइट चेन बनी थी, सेकेंड ग्रुप ने अपने हैंड्स को पकड़ा था ऐसे करके, सिर्फ हैंड्स से चेन बनाई थी, और थर्ड ग्रुप ने सिर्फ फिंगर टिप से चेन बनाई थी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं फिंगर टिप्स को ऐसे करके ऐसे चेन बनाई। तो जब जब उन्हें तोड़ने की कोशिश करी तो जो कमर से पकड़ के रखेगा, जो कमर से ऐसे आकर के पकड़ के रखेगा, तो उसकी चेन क्या होगी, उसकी चेन क्या होती है, उसकी चेन ज्यादा स्ट्रांग, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर सॉलिड क्या है, कौन सा ग्रुप बन गया सॉलिड, जिसने कमर से पकड़ के बनाई है चेन, वो सॉलिड की तरह हो गए, ठीक है। जिसने हैंड्स को पकड़ा है वो क्या हो गए, लिक्विड हो गए, और जिसने फिंगर टिप्स को पकड़ा है बस वो क्या हो गए, गैस हो गए, फिंगर टिप्स को गैसेस हो गए। तो इस तरीके से तीन तरह के ग्रुप्स आपके हो गए। तो जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ गए तो अब आप स्टेट्स ऑफ मैटर भी समझ जाओगे, बट हम उस पैराग्राफ पे जाएंगे आगे। एक और एक्टिविटी है 1.7, वो भी आपको समझनी है। तो 1.7 पढ़ो कोई बच्चा एक्टिविटी। टेक एन आयरन नेल एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हार्मिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, इन व्हिच ऑफ द अबव, और एक रबर बैंड लेनी है और उनको ब्रेक करने की कोशिश करनी है हैमर से। तो इनमें से तीनों में से कौन से पार्टिकल्स ज्यादा ग्रेट ऑफ फोर्स से अट्रैक्टेड है, इनमें सबसे ज्यादा मैम आयरन, आयरन में चौक आराम से टूट जाएगी, आयरन में क्या होगा, रबर बैंड भी लिक्विड होता है, ठीक है। क्यों रबर बैंड, क्योंकि इलास्टिक होता है रबर बैंड, इसीलिए। अब एक्टिविटी 1.8 पढ़ो, एक्टिविटी 1.8 पढ़ो। टेक सम वाटर इन कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर, कशिश एक्टिविटी 1.8 है शगुन। हाँ, ओपन अ वाटर टैप 1.8। मैम मेरे में तो अलग है, पढ़ो। यस मैम, ओपन अ वाटर स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, और उंगली से वेयर यू एबल, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीजन, ये क्या बताना चाह रहा है, नल खोला। मैम एक्टिविटी 1.8 हमारे में अलग लिखी हुई है, कोई बात नहीं, तुम भी पढ़ो 1.8, जिसके में अलग है वो बच्चा अपनी बुक से पढ़े, मुझे पढ़ के टेक सम वाटर अलग वाली एक्टिविटी। मैम मैं हमारे में अलग अलग एक्टिविटी है। Take some water in a container. Try cutting the surface of water with your finger. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? ठीक है, तो वो सिंपल above three activities. हाँ, तो दोनों एक्टिविटी पर एक ही चीज बताना चाह रही है, उसमें बोल रहा है एक मग में पानी लो या एक कंटेनर में पानी लो, और फिर उसको उस पानी की जो सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, पानी अगर आप किसी मग में या बीकर में लोगे तो सबसे ऊपर उसकी पहली एक सरफेस आएगी, उस सरफेस को अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करो, जब उसको अपने हाथ से तोड़ोगे तो हाथ के ऊपर ऊपर पानी आ जाएगा, उंगलियों के बीच बीच में पानी आ जाएगा, पर क्या वो लेयर टूट जाएगी, उससे वो लेयर वापस से ऊपर चढ़कर हाथ के नीचे इधर चढ़कर सब जगह बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब नल चल रहा है, जो नल की धार है उसको अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके तोड़ने की कोशिश करो, वो टूटेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा, उसकी जो धारा है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसा उसमें क्यों है, ऐसी प्रॉपर्टी क्यों है उसमें मैम, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हमारी उंगली से पास हो जाते हैं। हाँ, और उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि वो एक फ्लूइड है, वो हमेशा क्या होता है, फ्लो होता है, वो कहीं पर रुक नहीं सकता। सॉलिड जैसी चीज कट सकती है, टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, पर जो लिक्विड है वो उसके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो
भी कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वो फ्लो करता है, इट डू फ्लोइंग, फ्लो करता है वो. एंड दे फ्लो ठीक है बेटा. नाउ आपका अबव एक्टिविटीज का क्वेश्चन आ रहा है. द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन देम. दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होता है. ये ऊपर की एक्टिविटीज यही बता रही थी. ह्यूमन चेन बनाई तब भी यही पता चला. आयरन को तोड़ने की कोशिश करी चौक को तब भी यही पता चला. और जब हम पानी को तोड़ रहे थे तो नहीं तोड़ पाए क्योंकि वो हमेशा फ्लो होता रहता है. तो भी हमें यही पता चला कि पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग लेवल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है तो अब आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये ब्लू क्वेश्चन एंड आंसर्स आज का आपका होमवर्क होगा. तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन से मैटर हैं. पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से मैटर हैं. चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ कौन से मैटर है. परफ्यूम, चेयर, एयर, 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 आलमंड, लेमन, कोल्ड ड्रिंक, लेमन, वाटर. ठीक है, इनमें से जो फीलिंग्स हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम वो मैटर नहीं होती. लव, हेट, ये फीलिंग्स ये मैटर नहीं होती. थॉट कोई मैटर नहीं होता. ठीक है, बाकी सब मैटर होते हैं. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है रीजंस देने हैं आपको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के. ठीक है, क्या रीजंस हैं. द स्मेल ऑफ सिजलिंग फूड रीचेज अवर सेवरल फीट अवे अवर नोज. बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, अगर हॉट फूड है तो बहुत दूर से भी आपको खुशबू आ रही. कोई हलवाई बिठाया है किसी ने, लड्डू बना रहा है या कोई समोसे बना रहा है तो पूरे स्कूल में उसकी खुशबू हो जाएगी. बट अगर वही कहीं से हमने दुकान से बाहर से मंगाए हैं और मेस में ले जाके रखे हैं, कितने भी मंगा लो तो किसी को नहीं पता चल सकता. ठंडी चीज मैम क्योंकि गरम चीजों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी मूव करते हैं और दूर तक मूव करते हैं और कोल्ड पार्टिकल्स नहीं करते. हाँ वेरी गुड, क्योंकि जो गरम पार्टिकल्स ये वही चीज है डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है, तब तेज होती है जब टेम्परेचर हाई होता है. तो इसका आंसर यही होगा कि व्हेन द थिंग इज हॉट देन इट इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी, सो इट कैन मूव वेरी फास्ट. ठीक है, इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, तो डिफ्यूजन विल बी मोर एंड इन द कोल्ड फूड डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स विल बी लेस. क्लियर? यस मैम. नाउ थर्ड, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. अच्छा, तो डाइवर एक जैसे ऊपर से कूदता है समरसॉल्ट करते वक्त और वो स्विमिंग पूल के पानी को अपने हाथों से हटाता है, पीछे की तरफ फेंकता है और आगे आगे बढ़ता है. तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, क्या प्रॉपर्टी बता रहा है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये क्वेश्चन दिया है. कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो क्या क्या पॉइंट लिखोगे आप इसमें. मैम पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग एंड मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर हमेशा चलते रहते हैं, मैटर के बीच में स्पेस होती है. तीन पॉइंट हो जाएंगे ये मैटर के पार्टिकल्स. यस मैम. स्पेस होती है, मैटर के पार्टिकल्स वो मैम अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं. ये तीन पॉइंट्स इसमें हो जाएंगे. तो आज का आपका यही होमवर्क होगा. ओके ठीक है, आपकी क्लास कब तक होती है. 9:20 से तो शुरू हुई है, 9:48 ही हुआ अभी तो टाइम. 9:20 से टाइम टेबल में भी 9:20 से ही है आपकी क्लास मैम. लेकिन आज तो मैम एक्टिविटी का पीरियड था ना.
मैम आज एक्टिविटी का पीरियड था लेकिन सर ने मैथ क्लास ली है और आपने और भी केमिस्ट्री के क्लास ली है। मैम टाइम टेबल में 10 o'clock तक लिखा है। तो हम एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है? छोटा सा पैराग्राफ है स्टेट्स ऑफ मैटर का। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid, and gas. Yes. These states of matter relate to the variation in the characteristics of particle of matter. Solid के particles की अलग। But we have already studied about it. हाँ, आपने ये वाली तीनों चीजों की properties पढ़ ली हैं। हमने सबसे पहले starting में यही लिखने को दिया था। तो आपको पता है। Yes, ma'am. Solid, liquid, और gases का क्या state का क्या matter वो है? The solid state. Collect following articles: a pen, a wooden stick. Sketch the shape of above particles, articles, and in the notebook. All do all these have definite shape, distinct boundaries, fixed volume? What happen if they are hammered? Are these capable of diffusing into each other? Try to compressing them by applying force. Are you able to compress them? So, इसमें हम कौन-कौन से इनके आंसर क्या हैं? जब हम इन्हें हैमर करेंगे, तो क्या होगा? पुल्ड या ड्रॉप्ड हो, इनके ऊपर गिर जाए, इन्हें खींचा जाए या इनके ऊपर हैमर गिर जाए तो क्या होगा? इनका ये क्या हो जाएंगे? डीफॉर्म हो जाएंगे, इनकी शेप बिगड़ जाएगी, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है? सॉलिड ऐसे होते हैं, इनकी फिक्स बाउंड्रीज होती हैं, इनकी फिक्स शेप होती है। जब आप इनके फिगर्स बनाओगे इन चीजों के, तो आपके आराम से शेप्स बन जाएंगे। एंड ये डिफ्यूज करने में बहुत देर लगाएंगे, सॉलिड एक दूसरे में डिफ्यूज बहुत देर में होंगे। और बहुत मुश्किल है कि एक पेंसिल के अंदर आप वुड, एक पेंसिल को वुड में डालने के लिए आपको वुड में पेंसिल के बराबर छेद करना पड़ेगा, जैसे पेन होल्डर, ठीक है? या फिर आप कुछ भी उसके अंदर आपको गैप बनाना पड़ेगा, तब जाके वो एक सॉलिड दूसरे में। तो दे डिफ्यूज वेरी लेस। देन ट्राई टू कंप्रेस देम। अगर उन्हें कंप्रेस करते हैं यानी उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, कंप्रेस करना मतलब अप्लाइंग प्रेशर, तो वो कंप्रेसिबल भी बहुत कम होते हैं। दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, क्लियर? मतलब उनपे प्रेशर डालने पे भी वो कंप्रेस बहुत मुश्किल से होते हैं। ब्रेक कभी वो ब्रेक हो सकते हैं, पर वो दबेंगे नहीं, ब्रेक हो जाएंगे अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया, बट दे विल नॉट कंप्रेस। ऑल द अबव आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। And they have negative. Solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change the shapes as they are rigid. Solid क्या है? Rigid है. Solid non-compressible है. तो बहुत difficult है उनको compress करना. अब वो अपनी shape maintain रखते हैं. क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट रबर बैंड? कैन इट चेंज शेप बाय स्ट्रेचिंग? इट इज द सॉलिड। मतलब रबर बैंड का अगर हम ये सब चेक करेंगे तो वो क्या करेगा? अपनी शेप को मेंटेन नहीं रखता उस, वो भी पर एक लिमिट तक। इट कैन बी स्ट्रेच, बट इट कैन बी स्ट्रेच ओनली अप सर्टेन लिमिट। और उसके बाद अगर उसे हम स्ट्रेच करेंगे तो इट विल ब्रेक, इट विल ऑल्सो ब्रेक, ठीक है? तो दे आर इलास्टिक सॉलिड्स, ऐसे बोल सकते हैं। ये किस तरह के सॉलिड्स हैं? इलास्टिक सॉलिड्स, इलास्टिक सॉलिड्स, फ्लेक्सिबल सॉलिड्स हैं या इलास्टिक सॉलिड्स हैं। स्पॉन्ज की बात करेंगे तो क्या करेंगे? वो बहुत ज्यादा फोम हो गई, फोम के हम बेड्स यूज करते हैं, बेड में जो आपके मेट्रस होते हैं फोम के होते हैं, तो वो एक तरह की स्पॉन्ज है। तो स्पॉन्ज क्या होती है? वो आराम से कंप्रेसिबल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो क्या होगा? तो उसके अंदर क्यों ऐसा है? मैम स्पॉन्ज इज सॉलिड। मैम स्पॉन्ज इज सॉलिड, बट व्हेन बट व्हेन एयर कम्स बिटवीन इट ना, देन इट कैन बी जस्ट स्पॉन्ज लाइक दिस। वी कैन स्ट्रेच, वी कैन, क्योंकि हाईली पोरस है, बिकॉज़ इट हैज हाई मैम पोरस, बिकॉज़ इट इज हाईली पोरस, उसमें बहुत सारे पोर्स हैं, तो उसके अंदर एयर भर जाती है, तो एयर की वजह से वो कंप्रेस होती है।
रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. रबर बैंड क्या करता है, एक अपना शेप थोड़ी देर के लिए चेंज करता है, जब तक उस पर फोर्स लगता है तब तक चेंज करता है, वापस फोर्स हटा दो तो वो अपनी रीगेन कर लेता है, ठीक है. और अगर एक्सेसिव फोर्स लगा दिया तो ब्रेक कर देगा. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर इट टेक्स द इन आवर हैंड पुट इट इन प्लेट और इन अ जार. शेप शुगर की क्रिस्टल का सॉल्ट का सेम ही रहता है अगर हम किसी भी उसे जार में भर दें. हम छोटी सी सॉल्ट सेलर में जब हम उसको रखते हैं तब उसका शेप अलग होता है सॉल्ट का, सॉरी तब भी वो ही सॉल्ट ही रहता है, सफेद कलर का सॉल्ट ही दिखता है. जैसे हम सॉल्ट अपने टेबल पे नहीं रखते, टेबल उसमें रखते हैं छेद छेद वाले सॉल्ट जब हम रखते हैं अपने टेबल पे, कि हमारा अगर खाने में कम सॉल्ट है तो हम उसमें से उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं उससे हम डालते हैं जब हम सीजनिंग करते हैं या हम पिज्जा मंगाते हैं तो पिज्जा मैम ये जो सॉल्ट कंटेनर होता है छोटा सा ओरिगेनो डालते हैं वो भी उसमें ऐसी उसमें भरी हुई होती है, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही हम डालते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या है, शेप ऑफ ईच सेम रहती है. स्पॉन्ज हैज माइन्यूट व्हेन वी प्रेस द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर उसमें से बाहर निकलती है तो वो कंप्रेस होता है. मैं आपकी आवाज नहीं